हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपसे टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। टीनेज प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन आज के समय में उभरता हुआ विषय है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की नॉलेज बढ़ी है, सोशल सर्कल बढ़ा है, मीडिया की अवेयरनेस बढ़ी है और बच्चों का इंटरनेट पे एक्सेस बढ़ा है, तो टीनेज प्रेगनेंसीज की संख्या भी बढ़ गई है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू। एज अ पेरेंट और एज अ फैमिली मेम्बर वी हैव टू लुक इनटू दिस मैटर। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए टीनेज प्रेगनेंसी के विषय को हम लोग लेकर आए हैं। टीनेज प्रेगनेंसी जनरली 13 टू 18 ईयर्स के बीच में होने वाली प्रेगनेंसी को बोला जाता है। जैसे ही कोई फीमेल मेनार्के अटेंड करती है, यानी कि उसके महीने शुरू होते हैं, तो उसको प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं हो जाती है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यदि कोई भी लड़की फिजिकली एक्टिव है या रिलेशनशिप में है, इंटरकोर्स करती है, तो डेफिनेटली उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो समझने की बात यह है कि यदि आपके बच्चे इस तरीके के एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं, तो एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को सुपरवाइज करें और टीनेज प्रेगनेंसीज को रोकने की कोशिश करें। तो एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को थोड़ा सुपरविज़न रखना चाहिए, और यदि आप सुपरविज़न रखते हैं और आप उनके साथ फ्रेंडली रहते हैं, तो डेफिनेटली आप टीनेज प्रेगनेंसीज़ को रोक सकते हैं। टीनेज प्रेगनेंसी यदि हो जाती है तो अबॉर्शन के लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता है। बिना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए हम लोग अबॉर्शन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है जो टीनेज प्रेगनेंसीज के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि बच्चा अभी माइनर है, एडल्ट नहीं है, तो वो अपने किसी भी प्रोसीजर के लिए कंसेंट नहीं दे सकता है। यदि किसी कारणवश आपके बच्चे को टीनेज प्रेगनेंसी हुई है, तो डेफिनेटली आप अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकती हैं, क्योंकि बिना गायनी डॉक्टर की सलाह के आप कोई कदम उठाती हैं तो आपके बच्चे को स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, और फ्यूचर में प्रेगनेंसीज होने में भी फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि वो आगे चलकर कभी माँ नहीं बन पाए। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही आप काम करें। टीनेज प्रेगनेंसी जब भी होती है तो उसका स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्ची अभी छोटी होती है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती है, उसे नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी का कितना फ़र्क बॉडी पर पड़ता है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। और जनरली यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो आगे करियर पर भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा करियर डेवलपमेंट में भी रुकावट आ जाती है और हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। और जनरली ऐसी जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो रिलेशनशिप्स में होने के कारण होती है, जिनका आगे फ्यूचर बहुत कम होता है, और ऐसी स्थिति में हम बच्चों को प्रेगनेंसी कैरी ऑन करने की आगे सलाह नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही करवाना होता है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। जब भी प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे में खून की कमी हो सकती है, बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, और भी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, अबॉर्शन हो सकता है या लीकिंग हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप डॉक्टर की सलाह के साथ मैनेज कर सकती हैं। और प्रेगनेंसी रोकने के लिए आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती हैं, उन्हें आप बता सकती हैं कि यदि आप किसी के साथ इंटरकोर्स करते हैं या रिलेशनशिप में रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको प्रेगनेंसी होने की रिस्क है, तो आपकी बच्ची या आपका बच्चा इस चीज़ के लिए एजुकेटेड है, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में ना जाएं, और यदि रिलेशनशिप में है तो देन उनको हमें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए एजुकेट करना होगा, कि यदि वो कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ के लिए अवेयर हैं तो डेफ़िनेटली वो प्रेगनेंसी होने को रोक सकते हैं। फिज़िकली एक्टिव होने के साथ साथ इतना अवेयरनेस ज़रूरी है कि फिज़िकली एक्टिव होने से प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी होने को रोका जा सकता है कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ से। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डोम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, या इंटरकोर्स होने के बाद में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अवेलेबल हैं, जो विद इन 72 आवर्स लेने के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और यदि आप के बच्चे किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर वो फिज़िकली इंटीमेट हुए हैं, तो आपसे अगर डिस्कस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप गायनी डॉक्टर की सलाह लेकर प्रेगनेंसी होने को प्रिवेंट कर सकती हैं। और एज ए डॉक्टर मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि एज अ टीनेज मदर
आपको अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए, उनके एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए और एज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप आप उनके साथ मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि जितना समय आप अपना बच्चों को देंगी तो बच्चे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपके बच्चे किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और किस प्रकार के वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे किसी प्रकार की फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें एजुकेट कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं और उनका सुपरविज़न कर सकती हैं। और मम्मी पापा का मार्गदर्शन बहुत बड़ा होता है और उनकी केयर बहुत अच्छी होती है, उनसे बड़ा बच्चों का शुभचिंतक कोई नहीं होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि टीनेज प्रेगनेंसी के स्वास्थ्य पर कितने ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आइडियली टीनेज प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और यदि प्रेगनेंसी होती ही भी है तो उसे एक्सपर्ट ओपिनियन की सलाह के साथ ही टर्मिनेशन करवाना चाहिए। कभी भी ये बात ना सोचें कि डॉक्टर के पास अगर हम जा रहे हैं तो डॉक्टर क्या सोचेगा या डॉक्टर क्या कहेगा। डॉक्टर कुछ भी नहीं कहेगा, हमारी लीगल हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सपोर्ट करना, बच्चों को पेरेंट्स को सपोर्ट करना, और यदि उन्हें गायनेक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम हमेशा तैयार होते हैं, हम हमेशा सपोर्ट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए दोनों तरह से तैयार होते हैं। और हमारे क्लिनिक पर टीनेज बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए स्पेशल काउंसलिंग सेशन अरेंज किए जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको भी किसी ऐसे काउंसलिंग सेशन की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकती हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। अपने कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।